हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो चलिए बड़ा बात करते हैं जो कल मैच खेले जाने एसीसी यानी एसीसी रीजन ईस्टर्न रीजन के जो मैचेस खेले जाने टी20, इनके बारे में बात करें। दो मैचेस खेले जाने थाईलैंड और नेपाल के बीच में और दूसरा मैच हैंकॉक और यहाँ पे सिंगापुर के बीच में। तो इन दोनों टीम्स की मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे थाईलैंड और नेपाल के बारे में बात करता हूँ डिटेल में। तो प्लीज ये मैचेस ऐसे मैचेस होते हैं, हमारे बम्पर मैचेस होते हैं स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए। तो ग्रैंड लीग इसमें ट्राई जरूर करना। ग्रैंड लीग की पूरी टिप्स बताऊँ आपको किस तरह की यहाँ पर ग्रैंड लीग यूज करनी है। तो प्लीज यहाँ से वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए ले चलते आपको अपने नोट्स पे जो बना रखे मैंने आपके लिए। अगर आपको अच्छे लगा तो प्लीज यहाँ से वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और साथ में प्यारा कमेंट जरूर कर देना। चलिए ईस्टर्न रीजन का यहाँ पर जो खेला एसीसी ईस्टर्न रीजन का यहाँ जो सातों मैच खेला जाएगा थाईलैंड और नेपाल के बीच में। तो प्लीज यहाँ से ध्यान से सुनना, काम की चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। बैंकॉक का ग्राउंड है, यहाँ पर न्यूट्रल विकेट है, एक्सेप्टेड स्कोर यहाँ पे 130 या 140 के आसपास हो सकता है जहां तक मुझे ऐसा लगता है इस पिच पे। ठीक है, रिकॉर्ड्स की बात करें थाईलैंड ने अब तक यहाँ पर 3 मैच खेले, 3 हारे हैं और नेपाल ने भी यहाँ पर 2 मैच खेले और दोनों हारे हैं। तो दोनों हारी हुई टीम्स आ रही हैं खेलने के लिए और नेपाल थोड़ी मजबूत है यहाँ पे मेरे हिसाब से। जहाँ तक मुझे लगता है विनिंग परसेंटेज की बात करें 30% यहाँ पे जो है थाईलैंड के चांस है और 70% चांसेस यहाँ पे नेपाल के जीतने के। तो आपको उसी हिसाब से एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करनी है। कोशिश करूँ आपको हेड टू हेड 3 मेंबर की टीम देने की और साथ में ग्रैंड लीग के बारे में पूरे डिटेल में बताने की। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना, वीडियो को बिना स्किप करें। बेस्ट प्लेयर्स कॉम्बिनेशन बताऊँ हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए, 7-4 और 6-5 का कॉम्बिनेशन है आपके लिए बेस्ट होता है और 7-4 मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, अब बात है प्लेइंग 11 और स्टेट्स के, अब तक ने क्या परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए। तो प्लीज वीडियो को पूरा सुनना, आप लोग सुनते नहीं हो यार, वीडियो को स्किप कर दो, हमारी मेहनत यहां पे बेकार चली जाती है। जैकॉब्स ने पहले मैच में 28 रन के साथ 28 रन बनाए और दूसरे मैच में 2 रन बनाए और तीसरे मैच में यहां पे 13 रन का स्कोर किया। डब्ल्यूसी की बात करें यहां पे इन्होंने पहले मैच में 5 रन बनाए, विकेट इनको नहीं मिला, दूसरे मैच में 3 रन बनाए और तीसरे मैच में 1 रन बनाया और बॉलिंग यहां पे नहीं की बिल्कुल भी। तो बॉलिंग करते हैं पार्ट टाइम यानी 1-2 ओवर करते हैं, इससे ज्यादा ओवर यहां पे नहीं करते हैं। एजॉर्डन की बात करें यहाँ पर, जॉर्डन ने अब तक यहाँ पर पहले मैच में 19 बनाए, दूसरे मैच में 37 बनाए और तीसरे मैच में 3 रन का स्कोर किया। नावेद पठान की बात करें, पहले मैच में 0 बनाया, दूसरे में 1 रन बनाया और तीसरे में उन्होंने 6 रन के साथ 1 विकेट लिया। तो ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग करता, इन्होंने भी 1-2 ओवर किए थे, इससे ज्यादा ओवर यहाँ पर कोई भी नहीं करता। रॉबर्ट रैना की बात करें, पहले मैच में 6 रन बनाए, दूसरे मैच में 20 रन बनाए और तीसरे मैच में उन्होंने 8 रन का स्कोर किया। तो बॉलिंग नहीं कर रही है, ऑलराउंडर में जरूर है बट बॉलिंग यहाँ पे अभी तक इन्होंने किसी भी मैच में नहीं करी है। जेवर हक की बात करें, ये एक मेन प्लेयर्स बनते हैं यहाँ से थाईलैंड की तरफ से, तो इनको जरूर रखा अपनी हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में, क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स भी बॉलिंग भी करते हैं प्लस यहाँ पे बैटिंग के लिए भी इनकी आई जाती है जब यहाँ पर थाईलैंड खेलते हैं, क्योंकि इनकी टीम काफी कमजोर है तो बैटिंग बहुत जल्दी इनकी आती है यहाँ पे। ठीक है, 70 रन पहले मैच में 17 रन बनाए, 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में विकेट नहीं मिला, 4 रन बनाए और तीसरे मैच में 23 रन बनाए, विकेट यहाँ पे इनको यहाँ पे भी नहीं मिला। इसमें सरदार की बात करें, उन्होंने पहले 2 मैच मिस आउट किए, यहाँ पर दूसरा बॉलर्स खेला था इनकी जगह पर और 3 रन का इन्होंने स्कोर किया लास्ट मैच में। सोचाई की बात करें, पहले मैच में 1 रन बनाया, दूसरे में 4 बनाया, तीसरे में 0 बनाया, मेरे हिसाब से ना ग्रैंड लीग की पिक बनती है ना स्मॉल लीग की पिक बनती है, रखना चाहते हो आप अपनी टीम में रख सकते हो। ठीक है, सैम अंट्री की बात करें, पहले मैच में 4 रन बनाए, 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में 3 रन बनाए, 0 विकेट लिया, फिर तीसरे मैच में उन्होंने 1 रन के साथ 1 विकेट यहाँ पर लिया। वी सिंह की बात करें, पहले मैच में 2 रन के साथ 0 विकेट और दूसरे मैच में 1 रन के साथ 0 विकेट और तीसरे मैच में भी 3 रन के साथ 0 विकेट। ठीक है, तो ये इनको अभी तक विकेट नहीं मिली है। एम फेम की बात करें, जो इनके कैप्टन है, पहले मैच में 1 रन के साथ 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में 2 रन के साथ 0 विकेट और तीसरे मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई और यहाँ पर इनको विकेट्स भी यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, तो ये रहा अब तक का थाईलैंड का सफर। अब बात करते हैं यहाँ पे नेपाल के सफर की। नेपाल ने पहले मैच में कुशाल मल्ला ने यहाँ पे पहले मैच में 0 पर गए थे, दूसरे मैच में 19 रन के साथ 1 विकेट लिया था। वो सिचुएशन आपको बताऊंगा ये बॉलिंग पर कब आए थे और क्यों आए थे। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में, देखते रहना। गजेंद्र मल्ला ने यहाँ पे पहले मैच में 38 बनाए, दूसरे में 46 बनाए। पारस खड़का ने यहाँ पे पहले मैच में 9 रन के साथ 0 विकेट और दूसरे मैच में 4 रन के साथ 0 विकेट लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डीए सर ने पहले मैच में 38 बनाए और दूसरे मैच में उन्होंने 5 रन का स्कोर किया। पवन सराफ ने यहाँ पर पहले मैच में 19 का, दूसरे मैच में 1 रन बनाया, पहले मैच में उनको विकेट नहीं मिली और दूसरे मैच में उन्होंने बॉलिंग यहाँ पर नहीं करी। विनोद भंडारी की बात करें, पहले मैच में 7 बनाए, दूसरे मैच में 5 बनाए, बॉलर का बैट्समैन काफी अच्छे हैं तो टीम में मिस आउट मत करना इसको, ये देख के कि उन्होंने प्लेयर यहाँ पर रन अभी तक कम किया तो ऐसा मत करना, प्लेयर काफी अच्छा है ये। ठीक है, आरिफ शेख ने पहले मैच में 5 बनाए, दूसरे मैच में 10 रन का स्कोर किया। केसी करण की बात करें, केसी ने पहले मैच में 2 रन के साथ 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में 7 रन के साथ 0 विकेट, इनको 0 विकेट यहाँ पर देख रहे हो आप दूसरे मैच में और यही यहाँ पर मल्ला को 1 विकेट मिली है। तो यहाँ पर जो केसी करण थे ये 3 ओवर में अपने 33 रन देकर चले गए थे, इनको विकेट से अपने तो प्लस पिटाई अलग हुई थी, साथ में 1-2 बॉलर और थे जिनकी अच्छी खासा में पिटाई हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने कुशाल मल्ला को यहाँ पर बॉलिंग दी और कुशाल मल्ला ने यहाँ पे 1 विकेट दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी तभी कुशाल मल्ला बॉलिंग पे आता है, वरना कुशाल मल्ला बॉलिंग पे यहाँ पे बहुत कम आते हैं, कभी कभार आगे तो आ गए तो इसी सिचुएशन में आते हैं। अगर हो सकता है इस बार मुझे लगता नहीं ऐसी आएगी बट फिर भी हो सकता बॉलिंग कर दे,
वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संदीप लमिचर है, संदीप लमिचर ने पहले मैच में एक रन के साथ 3 विकेट लिया, दूसरे में एक रन के साथ 2 विकेट लिया और हेड टू हेड 3 ओवर वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर यूज करने वाले, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। एस भरी की बात करें, पहले मैच में 0 रन 0 विकेट और दूसरे मैच में 0 रन के साथ 2 विकेट यहाँ पे इनको मिली थी लास्ट मैच में। बोहरा की बात करें, पहले मैच में 2 विकेट लिए और दूसरे मैच में इनको यानी लास्ट मैच इनको विकेट यहाँ पे नहीं मिली। तो ये था अब तक का नेपाल और थाईलैंड का सफर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हेड टू हेड 3 ओवर वाली टीम आपको कैसे बनानी है और ग्रैंड लीग के लिए आपको मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। ग्रैंड लीग के लिए आपका इंपॉर्टेंट स्पेक्स बता दूं, यहाँ से जैकोब एक अच्छे ऑप्शन होते हैं, जॉर्डन यहाँ से अच्छे ऑप्शन होते हैं एंड पठान एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, प्लस यहाँ पे जेवर हक ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और साथ ही यहाँ पे वी सिंह ये प्लेयर हमारे ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं, कुशाल मल्ला, गजेंद्र मल्ला, खड़का है, डी एस एरी को ट्राई कर सकते हो, स्पेशली तब जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तब आप डी एस एरी को ट्राई कर सकते हो और सेकंड इनिंग में डी एस एरी को मिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से केसी करण है, लमिचर है, मैं आपको बता दूंगा, आपको टीम दिखा दूंगा कि ग्रैंड लीग की टीम आपको किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। और बाकी फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा तो वहाँ से डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारना फैंटेसी प्लेयर चंद, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप लोग बैट बॉल 11 पर थोड़ा ड्रीम 11 से हार के थक चुके हो, थोड़ा सा आउटसाइड विनिंग करना चाहते हो, बैट बॉल 11 पर जाओ, काफ़ी अच्छी ऐप है, ट्रस्टेड ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, साथ ही रेफरल कोड मिलेगा तो रेफरल कोड जरूर यूज कर लेना। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर हेड टू हेड 3 मेंबर लीग के लिए, ठीक है, यानी स्मॉल लीग। पारस खड़का के साथ 2 कॉम्बिनेशन मैंने बना रखे, अगर आपको लगता हो कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकते हैं तो इनके साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप लमिचर को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पारस खड़का यहाँ कुशाल मल्ला को मैंने वाइस कैप्टन ट्राई किया और दूसरा यहाँ पर पवन सराफ को मैंने अपने वाइस कैप्टन यहाँ पर ट्राई कर रखा है हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में। अब बात करते हैं बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर ग्रैंड लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, जॉर्डन है, केसी करण है, जेवल हक है, ये हमारे कैप्टन की लिस्ट में आते हैं और वाइस कैप्टन में केसी करण है और लमिचर है, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा रखे हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो हमारे 4 प्लेयर रहते हैं गेम चेंजर प्लेयर जिन्हें आप किसी भी लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डीएस एरी है, संजय है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो बट मैं सजेस्ट आपको नहीं करूंगा, ठीक है। यूसिक है, उसके बाद यहाँ पर पठान है, यूसिक इसलिए क्योंकि अभी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, रखेंगे लोग इनको बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कम लोग इनको रखने वाले हैं तो इसीलिए मैंने अपने गेम चेंजर प्लेयर में यहाँ पर डाल रखे चारों के चारों। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपका थोड़ा बहुत काम आए तो प्लीज़ यह वीडियो को तो लाइक कर ही देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब यहाँ पर ले चलता हूँ आपको डायरेक्टली अपनी टीम पर, जो मेरी हेड टू हेड 3 मेंबर की टीम रहने वाली है, टीम मैंने बना के डायरेक्टली आपको टीम एडिट करके दिखाऊंगा कि हमारी हेड टू हेड 3 मेंबर की टीम यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो प्लीज़ यहाँ से आप जो लोग यहाँ पर थोड़ा जो कॉपी करते हैं वो लोग यह टीम कॉपी कर सकते हो बट मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा कॉपी कम किया करो, ट्राई किया करो खुद से एक टीम बनाने की। विकेट कीपर में एस बी भंडारी को लिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है बट मैं यहाँ पर हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में इनको सजेस्ट यहाँ पर नहीं करने वाला। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग में मैंने नावेद पठान को ट्राई किया, जॉर्डन को ट्राई किया और यहाँ पर गजेंद्र मल्ला को ट्राई कर रहा है जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है अगर यहाँ पर टीम इनकी पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर नेपाल की टीम पहले बैटिंग करेगी मैं यहाँ पर डी एस एरी को भी ट्राई करूँगा, उसका मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा किस सिचुएशन में इनको ट्राई करूँ, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, तो प्लीज़ अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको सारी टीम्स वहीं पर प्रोवाइड होती है, ठीक है। जैकोब ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर इनको लेना चाहते हो ले सकते हो, इसमें भी बट काफ़ी डाउन आते हैं। आरिफ है तो कोई कुछ खास ऑप्शन बनते नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं बनते, जैकोब फिर भी एक ऑप्शन है आपके पास, अगर ट्राई करना चाहते हो अपनी हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में ट्राई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर में जेवर हक को लिया और बाकी तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर अपनी टीम में रख लिए हैं जो मुझे बेस्ट लग रहे हैं हेड टू हेड 3 मेंबर लीग के लिए, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस यहीं से बनती है आपकी, तो प्लीज़ अगर इनमें से ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, स्पेशली केसी करण को अगर ट्राई करने की हिम्मत है, स्पेशली तब जब इनकी टीम पहले बैटिंग करे क्योंकि हो सकता है थाईलैंड विकेट गिरा दे, क्योंकि डाउन आ रहे हैं इनकी बैटिंग तो आना पॉसिबल है नहीं मेरे हिसाब से, 6वें 7वें नंबर पर आ रहे हैं तो लगता नहीं मुझे केसी करण की बैटिंग यहाँ पर आने वाली है, बट ये है कि बॉलिंग से आपको पॉइंट्स अर्न करके दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बॉलिंग में, बॉलिंग में जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं यहाँ पर वासिफ फहीम को लिया हुआ है, संदीप लमिचर ने को लिया, हमारे पास पवन सराफ को मैंने ट्राई कर रखा अपनी हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में। तो ये हमारी हेड टू हेड 3 मेंबर लीग रहेगी, बाकी यहाँ पर भरी और बोरा दोनों के दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, यहाँ पर विशांत सिंह है, इनको भी अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, ठीक है। तो ये रही हमारी हेड टू हेड 3 मेंबर की टीम, अगर आपको लगता है कि ये टीम वोन करा सकती है तो प्लीज तभी इस टीम से जाना, अदरवाइज एक या दो चेंजेस कर लेना। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन जो हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कैप्टन ने यहाँ पे पारस खड़का को ट्राई किया क्योंकि वन डाउन आ रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे हमारे बेस्ट पॉइंट बनते हैं हम मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों को देख लेना। वाइस कैप्टन ने कुशाल मल्ला को ट्राई किया हुआ है,
तो ये जहाँ तक मुझे बेस्ट लग रहा है, बाकी उसके बाद देखूंगा मॉर्निंग में टॉस होने के बाद क्या होता है। मैं यहाँ पे जीवन हक को भी ट्राई कर सकता हूँ अपनी टीम में, क्योंकि सामने नेपाल की टीम भी इतनी खास टीम यहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, तो चले फ्रेंड ये थी हमारी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम हमारी यहाँ पर क्या रहने वाली है। टीम मैंने बना रही है, डायरेक्ट आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा टीम का कि हमारी क्या टीम रह सकती है ग्रैंड लीग के लिए। तो प्लीज़ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करता। बाकी फ्रेंड यहाँ पर जो अभी मैच हो रहा है ये PSL का जो मैच रहा है, इसकी टीम आपको दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पर अपने तुरंत, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इसके लिए भी स्पेशल। चले टीम मैंने बना रखी है डायरेक्टली आपको एडिट करके तो नहीं, आपको टीम प्रीव्यू दिखा दूंगा आपको मेरा क्या टीम प्रीव्यू रहने वाला है ग्रैंड लीग के लिए। संजय को ट्राई कर रहा है, इनको मैं देखूंगा हटाऊंगा टॉस के बाद चेंज कर लूंगा मैं इसमें, बट यहाँ पर विनोद को रखूंगा, भंडारी को रखूंगा, यहाँ पे इनको मैं चेंज जरूर करूंगा। ठीक है, उसके बाद चेंज करूंगा, बट ऐसे ऐसे बॉलर भी मुझे इसके बाद चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गेंद्र मल्लो को लिया, जैकॉब को लिया, नावेद को लिया, उसके बाद पारस खड़का है, करण है, मल्ला है, और उसके बाद यहाँ पर जो है जोर हक है, संदीप लमिशन है, बोहरा है, और उसके बाद यहाँ पर एस बरी है। तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। कैप्टन में यहाँ पर केसी करण को ट्राई कर रखा, और वाइस कैप्टन में यहाँ पर कुशाल मल्ला को ट्राई कर रखा। केसी करण को इसीलिए ट्राई कर रखा ताकि यहाँ पर जो है विकेट्स ले सके, 3 से 4 विकेट ले जाए, और हमें यहाँ पर कैप्टन में थोड़ा सा ऊपर ले गया, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ संदीप लमिशन के पीछे पड़ने वाले हैं। यही इनके अधिकतर लोग यहाँ पर कैप्टन में इनको ट्राई करने वाले ग्रैंड लीग में भी, और हेड टू हेड थ्री मेंबर में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे संदीप लमिशने के साथ। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम फ्रेंड। बाकी फ्रेंड इसका जो दूसरा मैच खेलेगा उसकी टीम आपको मॉर्निंग में दूंगा, हांगकॉक की, और इसकी जो कल मॉर्निंग में इसकी टीम में जाएगी टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। तो अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चले फ्रेंड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।